नमः शिवाय। दोस्तों, 10 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल दे, ये चीज कंगाल भी बनेगा मालामाल और मनुष्य को उसके जीवन के हर कष्टों से मिलेगी मुक्ति, खुशियों से भर जाएगा घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। प्रिय मित्रों, सावन का पावन एवं पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है एवं इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। दोस्तों, इस बार सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होगा, यानी 59 डेज का होगा। ऐसा अद्भुत एवं शुभ महायोग पूरे 19 वर्ष बाद आया है और इस बार सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई 2023 को पड़ने जा रहा है, जिसका इंतजार करोड़ों भक्त बेसब्री से कर रहे हैं और शिव महापुराण के अनुसार 10 जुलाई 2023 को सावन का पहला सोमवार के दिन यदि आप एक लोटे जल में इन गुप्त चीज़ों को डालकर भगवान शिव यानी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल का अभिषेक यदि कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मित्रों, आपके जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा दुख हो, हर प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी आपकी कोई भी मनोकामना हो वो बाबा भोलेनाथ की कृपा एवं आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। प्रिय मित्रों, सावन के पावन महीने के बारे में हमारे धार्मिक वेद एवं पुराणों में कहा गया है कि इस मन भावन सावन के महीने का पूरा नियंत्रण भगवान शिव अर्थात बाबा भोलेनाथ के हाथ में होता है। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में सप्रेम विश्वास एवं श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी खाली झोली फैलाता है तो भगवान भोलेनाथ ऐसे व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और यदि सावन में आप भगवान भोलेनाथ के सामने कोई भी उपाय करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही, इसके साथ ही आपका जो भी उपाय हो आपको उसका हजारों गुना लाभ मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि सावन में की गई पूजा साधना क्रिया से आपके जीवन के जो सभी प्रकार के कष्ट होते हैं ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। मित्रों, सावन के पवित्र महीने के दौरान अगर आप सिर्फ सावन सोमवार का व्रत ही रख ले तो ऐसा कहा जाता है इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा कि सावन के पवित्र महीने के दौरान जितने भी शिव भक्त होते हैं वो सभी भगवान भोलेनाथ के लिए सोमवार का व्रत करते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि 10 जुलाई 2023 को सावन की प्रथम अष्टमी भी पड़ने जा रही है, जिसका शुभ मुहूर्त 10 जुलाई 2023 को शाम 6:40 तक रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि इस दिन की गई पूजा क्रिया साधना से आपको भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी मान्यता है कि देवों के देव महादेव अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत वरदान दे देते हैं एवं इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जैसे महाशिवरात्रि सावन का पवित्र महीना या फिर सावन सोमवार हो, इन शुभ दिनों में यदि आप कोई भी छोटा मोटा उपाय या पूजा पाठ करते हैं भगवान भोलेनाथ के सामने, यदि तो भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं और अपना सारा प्रेम भक्तों पर नौछावर कर देते हैं, जिसके कारण आपकी नौकरी व्यवसाय कारोबार धन का आना अचानक बंद होना
जीवन के सभी कार्यों का रुक जाना, घर की उन्नति नहीं होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, जो भी कार्य सोच समझकर करते हैं वो पूरा नहीं होना, करते कुछ और हैं और होता कुछ और है, घर में परिवार में शांति का न होना, आपसी भाईचारा समाप्त हो जाना, धन की कमी, दरिद्रता, जीवन में हर प्रकार से समस्याएं बार बार आना, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको भगवान भोलेनाथ मुक्ति प्रदान करेंगे एवं आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो प्रिय मित्रों, आज हम जो उपाय आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही सरल एवं साधारण उपाय है, जिसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इन साधारण उपायों से चमत्कारी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो बस आपको इतना करना है कि एक लोटे में जल भरकर ये गुप्त चीज जो हम आपको बताने वाले हैं लोटे में डालकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है और जल अर्पित करना है। इतना यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए निश्चित रूप से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे, भगवान शिव भोले भंडारी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए और आप अपने जीवन में वो तरक्की करें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो और आपके धन कमाने के सारे रास्ते जो बंद पड़ गए हैं भगवान भोलेनाथ खोल देते हैं, तो आप सच्ची श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। देखना आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, तुरंत आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा एवं आत्म शांति का अनुभव होगा, करके देखिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना है और आपको लोटे में कौन सी वो गुप्त चीज मिलाना है और शिवलिंग पर अभिषेक करना है। लेकिन सबसे पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जो दया के सागर है, करुणा निधान है। भगवान शिव किसी की छोटी सी पूजा पाठ से अति प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव व्यक्ति को मन चाहा वरदान दे देते हैं। इसमें जिन लोगों में जितनी श्रद्धा एवं विश्वास हो उनके अनुसार फल की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य सिर्फ दिखावा करता हो, पाखंड करता हो, भगवान शिव के बारे में कुछ गलत सोचता हो, उन्हें मानता नहीं हो, प्रेम का जिसमें अभाव हो, ऐसे ढोंगी व्यक्ति की कभी भगवान सुनवाई नहीं करते। और कई मनुष्य अपने जीवन में सावन के पवित्र मास में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके कारण भोलेनाथ ऐसे भक्तों से रुष्ट हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनका विनाश कर देते हैं। परंतु दयालु स्वभाव के कारण वो इतना जल्दी क्रोधित नहीं होते। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर दूध, दही, चावल आदि चढ़ाने जाते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा दूध, दही, चावल, जल, गंगा जल आदि ही अर्पित किए जाते हैं। और शिवलिंग पर आप चाहे कुछ भी चढ़ाए, कुछ भी अर्पित करें, मगर हमेशा याद रखना आपका मुंह उत्तर की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान शिव एवं माता पार्वती का वास होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, हम आपको जो भी उपाय बता रहे हैं वो शिव पुराण या हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताते हैं, ताकि आपको फालतू के ढोंगी बाबा और तांत्रिकों के चक्कर लगाना ना पड़े। तो आप जब भी वीडियो देखो तो एक पेन और एक नोटबुक यानी एक कॉपी जरूर साथ रखें और लिख लें, ताकि आप कभी भी इनके बारे में अच्छे से कर सके। नहीं तो आप वीडियो को लाइक कर ले ताकि आप फिर से वीडियो देख सके। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ एवं कष्टों से गुजर रहे हैं, समस्याओं ने आपको घेर लिया है, आपको कोई मानसिक कष्ट है,
शारीरिक कष्ट है, यदि कोई ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जो दवाई लेने के बाद भी ठीक होने का नाम भी नहीं लेती, आप अपना इलाज करवा के थक चुके हैं परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको 10 जुलाई 2023 के दिन सुबह उठना है, स्नान आदि नित्य क्रम करना है और एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आप गंगा जल भर लें। अब आपको एक चुटकी भस्म इस लोटे में डालनी है जिसमें आपने गंगा जल लिया है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को भस्म लगाई भी जाती है और भस्म शिवलिंग पर अर्पित भी की जाती है। तो आपको एक चुटकी भस्म डालनी है, उसके बाद वह गंगा जल का लोटा लेकर पहुंच जाना आपको शिव मंदिर, और शिवलिंग के सामने आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और वो गंगा जल बस मिलाए हुआ शिवलिंग पर चढ़ाना है, यानी अर्पित करना है। दोस्तों, यदि इतना आपने 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार के दिन कर लिया तो आपके जीवन से आपके मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट या किसी भी कष्ट से आप परेशान हैं तो आपके सारे दुख दर्द भगवान शिव हर लेंगे और आपको हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ये महा उपाय है एवं बड़ा चमत्कारी उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। दूसरा चमत्कारी महा उपाय, दोस्तों मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक कष्टों से घिरे हुए हैं, जैसे आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, आपके जीवन में पैसा तो आता है परंतु पैसा कभी टिकता नहीं, रुकता नहीं, या आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिसके कारण आपके सारे पैसे फिजूल खर्चे में जा रहे हैं, तो शिव पुराण के अनुसार एक बड़ा ही चमत्कारी एवं महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि इस उपाय को आपने सही विधि विधान से कर लिया तो आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और जो पैसा आप कमाएंगे वो आपके पास रुकेगा। दोस्तों, कई बार हमने अपने वीडियो में चर्चा की है सम्मी के पेड़ के बारे में, तो शिव पुराण के अनुसार ये मान्यता है कि सम्मी के पेड़ में भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ वास होता है, इसलिए इसे उमा शंकर पेड़ भी कहा जाता है। तो आपको सम्मी के पेड़ के पास जाना है और आपको एक छोटे पत्तों की डाली तोड़ देनी है। आप इन पत्तों को एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर इसमें डाल दीजिए, फिर चले जाइए शिव मंदिर और शिव मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। बस इतना यदि आपने 10 जुलाई 2023 को सावन सोमवार के दिन कर लिया तो आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में कभी फिजूल खर्च नहीं होगी, धन हमेशा आपके पास रुकेगा। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप या आपके परिवार में रोज लड़ाई झगड़ा एवं क्लेश होता है, आप रोज के इस झगड़ों से परेशान हैं, आपके घर में कभी बरकत नहीं होती, उन्नति पूरी तरह से रुक चुकी है और आप चाहते हैं आपके घर की उन्नति हो, विकास हो, तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक लोटा गंगा जल लेना है और आपको इसमें 2-4 बूंद गन्ने का रस मिलाना है, याद रखे गन्ने का रस, और आपको इसे शिवलिंग पर अभिषेक करना है। यह उपाय आपको 10 जुलाई 2023 को सावन के पहले सोमवार के दिन कर लेना है। यदि ऐसा आपने कर लिया तो आपके घर में रोज होने वाले लड़ाई झगड़े एवं क्लेश समाप्त हो जाएंगे एवं आपसी प्रेम के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके साथ ही आपकी एवं आपके परिवार की उन्नति होगी, घर में धन की वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की कृपा एवं आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा मान लीजिए आप या आपके घर पर कोई दोष लगा हुआ है और आप काफ़ी परेशान है, तो आपको क्या करना है, कच्चे दूध में चीनी मिलाकर यानी शक्कर मिलाकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। इतना आप करके देखें, आप खुद पाएंगे कि आपके घर के सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब दोस्तों, मान लीजिए आपका व्यापार बंद पड़ा है, व्यवसाय चलते चलते रुक गया है, आमदनी कम हो गई है
या बंद हो चुकी है, तो आपको एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। इसमें 108 चावल के दाने डाल लेने हैं और भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। बस इतना करते ही आपका व्यापार जो बंद पड़ा था वो चल पड़ेगा। दोस्तों, सबसे अधिक फायदा तब होता है जब आप एक नियम अपनी ज़िंदगी में अपना ले, और वो है कर भला तो हो भला। तो सबके भले के लिए ये वीडियो शेयर अवश्य करना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।